हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगैन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो व्यूअर्स, जैसे ही आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने कॉम्बिनेशंस पे कुछ एग्जांपल्स की हुई थी, तो आज भी हम कॉम्बिनेशंस पे कुछ और एग्जांपल्स लेकर आएंगे। तो पहली एग्जांपल्स आपके सामने है, बोलता है ए कमिटी ऑफ थ्री पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टू मैन एंड थ्री वुमेन। देखिए, आपके पास जो है तीन पर्सन चाहिए, यानी कि आपके पास एक कमिटी चाहिए थ्री पर्सन की, इनके तीन शख्स आपको चाहिए। और उन तीन शख्स आपको कितने में से लेने हैं, आपके पास मैन जो हैं टू मैन हैं, और वुमन आपके पास जो हैं वो आपके पास थ्री हैं। अब देखिए, टोटल आपके पास ये कितने हैं, फाइव, इनके थ्री वुमन हैं और टू मैन हैं, और इनमें से आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, थ्री पर्सन का एक कमेटी बनानी है, यानी कि एक कमेटी बनानी है जिसमें तीन शख्स होंगे, और वो तीन शख्स आपने लेने हैं किसमें, कितने में से, थ्री वुमन में से और टू मैन में से। तो टोटल आपके पास कितने मेंबर होंगे, फाइव मेंबर होंगे। तो आपके पास आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, बोलता है इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, और हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वुमन। तो बोलता है ये जो कमेटी बनेगी थ्री पर्सन की, बोलते आपके पास कितनी कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें से आपके पास एक मैन होगा और दो वुमन होंगी, यानी कि एक मैन प्लस टू वुमन इज इक्वल टू आपके पास कितने आने चाहिए, थ्री पर्सन की कमेटी आपके पास आनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ये कहा जाता कि बताओ इन फाइव मेंबर्स में से आप तीन पर्सन की कमेटी कैसे बनाओगे, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनना था वो सिंपल, आपके पास कॉम्बिनेशन बनना था, टोटल मेंबर आपके पास फाइव हैं, कॉम्बिनेशन आपने बनाना था, उनमें से आपने कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है, थ्री मेंबर्स की, मीन्स आपने सिलेक्शन कितनी की करनी थी, थ्री की करनी थी। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर होता है, और आपको पता है फाइव से थ्री का फॉर्मूला आपके पास क्या है, फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास इसका एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि आपके पास उस कमेटी में जो तीन मेंबर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक मैन होना चाहिए और दो वुमन होनी चाहिए। तो आपके पास कितने पर्सन बनेंगे, तीन पर्सन बनेंगे। तो आप देखिए, टोटल मैन आपके पास कितने हैं, टू हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन अब कैसे बनेगा, टू सी, तो मैन कितने चाहिए, वन मैन चाहिए, एक तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, अब टू वुमन आपको चाहिए, तो टोटल वुमन आपके पास कितनी है, थ्री वुमन है, और थ्री वुमन में से आपको कितनी वुमन चाहिए, टू वुमन चाहिए। अब देखिए, इनका भी आपस में कॉम्बिनेशन है ना, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इनका आपस में भी जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम कौन सा साइन यहाँ पे लगाते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल मेथड कहता है कि आप मल्टीप्लीकेशन साइन यूज करो। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा, देखिए इस पर भी सेम फार्मूला यही अप्लाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं एन फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके पास इज इक्वल टू एन सी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर इन टू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, टू सी वन यानी कि टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू माइनस वन इन टू वन फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाइड बाई थ्री सी टू पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इन टू टू फैक्टोरियल। ठीक है गाइज, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इम्प्लाई जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, टू फैक्टोरियल आपके पास क्या जाता है, टू इंटू वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू माइनस वन आपके पास कितना होता है, वन फैक्टोरियल इंटू वन आपके पास क्या आएगा, वन का वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं थ्रू टू इंटू वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टू आपके पास कितना जाता है, वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई टू फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ टू इंटू वन फैक्टोरियल। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करो, यानी कि वन फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद टू यहाँ से भी कैंसिल होगा, टू यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो वन फैक्टोरियल ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो बच के रही हैं वो टू इंटू थ्री, तो थ्री टू ज़रा आपके पास क्या जाता है, सिक्स। तो आपके पास कितनी कमेटीज जो हैं वो सिलेक्ट होंगी, सिक्स कमेटीज सिलेक्ट होंगी, जिनमें से एक मैन होगा और दो वुमन होंगी, तीन पर्सन की कमेटी जो है वो सिक्स बनेगी आउट ऑफ फाइव मेंबर्स में से, और इन फाइव मेंबर्स में से आपके पास एक मैन होना चाहिए और दो वुमन होनी चाहिए। होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और क्लियर भी हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, तो बोल रहा है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। बोलता है आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है आपके पास 25, और उनमें से आपके पास देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड वो कितने आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड बोल रहा है कि 10 है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है देयर आर थ्री स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट इधर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस एक्सकर्शन पार्टी को ज्वाइन करना भी चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं। तो बताओ इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो हमने ये बताना है कि बताओ आपके पास कितने वेज होंगे एक एक्सकर्शन पार्टी को चूज करने के लिए। अब देखिए गाइज यहाँ पे अगर आपके पास जो तीन स्टूडेंट्स हैं इधर और वाला केस है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगर तीन स्टूडेंट जो हैं अगर वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास के जो कॉम्बिनेशन बनेगा, सिलेक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा। अब देखिए तीन स्टूडेंट जो हैं हम उस पे करते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जो तीन स्टूडेंट्स हैं अगर वो ज्वाइन करेंगे। देखिए तीन स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करेंगे तो बाकी आपके पास कितने बचेंगे, 22 कॉम्बिनेशन। अब देखिए टोटल सिलेक्ट हमने कितने करने हैं, 10 सेलेक्ट करने हैं। तो 10 सेलेक्ट अगर हमने करने हैं तो तीन का तो हमें पता ही चल गया है कि तीन जो हैं वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 में से 3 माइनस कर लेंगे, आपके पास कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास डेफिनेट होते हैं हम उनका कॉम्बिनेशन नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीन जो हैं वो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर तीन पार्टी को अगर ज्वाइन कर रहे हैं मीन्स वो सिलेक्शन में जो बाकी बचे हुए होंगे, 22 में जो बाकी बचे हुए होंगे हम उनका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, और 25 में से तीन हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। अब देखिए इधर आर वाला केस है, तो जैसे काउंटिंग प्रिंसिपल में अभी तक हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे थे, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन करेंगे, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल में जब इधर आर वाला केस आता है तो हम एडिशन करते हैं, एंड वाला जब केस आता है तब तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इधर वाला देखिए इधर एक तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया कि अगर वो तीन स्टूडेंट जो है एक्सकर्शन पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो है इतने नंबर ऑफ वेज से आप 22 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर वो तीन स्टूडेंट जो हैं अगर एक्सकर्शन पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस वक्त आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए गाइज अब देखिए यहाँ पे तीन स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये डेफिनेट है, तो 25 माइनस 3 जो है हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट है कि तीन स्टूडेंट जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं एक्सकर्शन पार्टी को। इट मीन्स आपके पास टोटल कितने बचेंगे, 22 स्टूडेंट्स बचेंगे। अब उसमें से कॉम्बिनेशन देखो, अब टोटल हमने कितने सेलेक्ट करने हैं, 10 सेलेक्ट करने हैं, तो तीन स्टूडेंट जो हैं 25 स्टूडेंट्स में से नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो मीन्स हम जो 10 स्टूडेंट्स होंगे इन 22 में से उनको तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, जो आपके पास ये क्वेश्चन है इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा, 22C7 + 22C10। तो आपने इस पे क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जो आपके पास एन सी आर का फार्मूला है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो जब ये फार्मूला आप उसमें यूज़ करोगे तो आपके पास जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे ये अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे आप तो कैसे लिखोगे, तो इसका लिखने का एक तो और तरीका भी है गाइस। देखिए यहाँ पे 22C7 है, इट मीन्स ये जो आपके पास 7 है आपने 20T को सक्सेसफुली कितना डिक्रीज तक, कितनी वैल्यूज तक डिक्रीज होना है, 7 तक होना है। जैसे देखिए 20 ये हो गया, फिर 21, 20, फिर 19, 18, 17, तो ये कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5 6, 7 तक जाना है तो 16 आपके पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो गाइस, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 प्लस यहाँ पे आप करोगे। अब देखिए 22 × 10 है, तो आपने कितना सक्सेसफुली डिक्रीज होना, कितने वैल्यूज तक, 10 वैल्यूज तक। तो 22 से अगर हम 12 तक जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं, 10 तक। अगर 10 वैल्यूज को हम डिक्रीज करेंगे तो 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 13 तक हम पहुंच चुके हैं। डिवाइडेड बाय अब 10
वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जब इन वैल्यूज को आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे और इसको ऐड कर रहे होंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास कितना जाएगा, 817190। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाता है, 81,790। तो आपके पास इतनी जो है सिलेक्शंस बनेंगी कब, जब 25 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्ट करना है, तो और 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्सकर्शन को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस वक्त जो पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं, जो नंबर ऑफ वेज बनते हैं एक सिलेक्शन सिलेक्शन के, तो आपके पास कितने बनते हैं, 81,790। होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, बोलता है ए कमिटी ऑफ सेवन हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बोलता है आपके पास एक कमिटी बनानी है सेवन मेंबर्स की, और आपने सेलेक्ट किस में से करने हैं, 9 बॉयज और 4 गर्ल में से। यानी आपके पास जो बॉयज हैं वो आपके पास कितने हैं, 9 हैं, और गर्ल्स आपके पास जो हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। बोलता है इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन वेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ। देखिए आपके पास जो यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट में ये दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, कि आपके पास कितनी गर्ल्स होनी चाहिए उस कम्बिनेशन में, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, अब 7 मेंबर्स की कमिटी को हमने सेलेक्ट करना है फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 बॉयज, फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एंड का कंसेप्ट आ रहा है, काउंटिंग क्रिमिनल मेथड क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 9 बॉयज हैं आपके पास, मैं लिख लेता हूँ ऐसे भी, 9 बॉयज इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो पहले मैं गर्ल्स का यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल गर्ल्स आपके पास कितनी है, 4 गर्ल्स, और आपको एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए। आपको बोला है कि 7 मेंबर्स की कमिटी होनी चाहिए, इट मींस यहाँ पे बॉयज आपको फिर कितने चाहिए, 4 बॉय चाहिए, तभी जाके 4 और 3 आपके पास 7 मेंबर्स की कमिटी बनेगी। अब एंड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके लिए इजी हो गया ये आंसर कैलकुलेट करना। देखिए 9 इंटू 4, मैंने आपको क्या बताया था, आपने 4 टाइम नीचे जाना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को आपने सेलेक्ट करना है, तो इसको भी सेम ऐसे ही करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे आपके पास कितना आएगा, देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 4 बचता है। अगर 4 और 4 को भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो 3 वन ज़र 3, 3 टू ज़र 6 होता है, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 9 8 ज़र आपके पास, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाता है आंसर, 504। तो ये आपके पास जो है कॉम्बिनेशंस बनेंगे जब आपके पास एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी और 7 कमिटी के आपने अगर वहाँ पे सिलेक्शन करने होंगे और उनमें से 3 गर्ल्स होंगी और 4 बॉयज उसमें आएंगे, तो आपके पास पॉसिबल वेज जो है वो कितने बनेंगे एक कमिटी को सिलेक्ट करने के लिए, 504 वेज बनेंगे। अब देखिए दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर इनने बोली है कि अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स, अब कम से कम आपके पास कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, इनके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास ये बनेगी, अगर एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 गर्ल्स होनी ही होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम आपके पास 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये बनती है, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज होने चाहिए, तभी जाके 7 मेंबर्स की कमेटी हमें चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, अगर 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज इनकी कॉम्बिनेशन से बन सकता है। उसके बाद हमारे पास टोटल गर्ल्स तो 4 ही हैं, हम 5 गर्ल्स नहीं जा सकते हैं क्योंकि टोटल गर्ल्स आपके पास कितनी हैं, 4 हैं। तो आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे, अगर 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज होंगे, तभी जाके 7 कमिटी की एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे पहले ए पार्ट के लिए, देखिए 3 गर्ल्स आपके पास कितने में से होंगी, 4 गर्ल्स में से अगर आप 3 गर्ल्स लोगे, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, मल्टीप्लाइड बाई 4 बॉयज आपको कितने में से चाहिए, 9 में से, 9C4 आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पे भी देखिए इधर और वाला केस है, यानी कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, या तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज बनेगी या तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो इधर आर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है कि आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर बॉय, फोर गर्ल्स, यानी कि फोर गर्ल्स मैं लिख सकता हूँ फोर। अगर देखिए आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना होगा तो यहाँ पे आप गर्ल्स बॉयज़ लिख सकते हो, ये फोर गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं। तो यहाँ पे भी देखिए फोर गर्ल्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप फोर गर्ल्स भी ले सकते हो, तो टोटल गर्ल फोर हैं तो आप यहाँ पे फोर गर्ल्स ले सकते हो मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे थ्री बॉयज़ हैं तो कितने हैं टोटल, नाइन बॉयज़ हैं, तो 9b3 लिख सकता हूँ मैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपके पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखिए 4 × 3 आपने जाना है, 4 × 3 × 2 / 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 × 4 जाना आपने, 9 × 8 × 7 × 6 / 1 × 2 × 3 × 4 प्लस। अब फोर को देखिए, फोर कॉम्बिनेशन जो जी के साथ होता है वो आपके पास क्या आता है, वन ही आता है, या आप लिख भी सकते हो 4 × 3 × 2 × 1, और फोर को भी लिख सकते हो 1 × 2 × 3 × 4। तो देखिए जब आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो ये आपके पास क्या वाली यहाँ पे आ जाएगी, वन आ जाएगी, क्योंकि फोर जो होते हो आपके पास हमेशा वन ही आता है मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे नाइन बॉयज़ में से थ्री बॉयज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन आपके पास क्या बनेगा, नाइन। अब देखिए थ्री टाइम आपने सक्सेसफुली डिक्रीज होना, 9 × 8 × 7 / 3 1 × 2 × 3। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज आपके पास पिछले पार्ट में थी, तो उसमें आपके पास आंसर कितना आया था, 504 प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करोगे 3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 12 7 ज़र 84। तो आपके पास इसको जब सम करोगे तो आपके पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 588। ठीक है गाइज, होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे एक सेवन कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए, जब आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ये बन रही होंगी, तो आपके पास कितने होंगे, 588। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स आपके सामने, बताता है विदाउट रिपीटिशन यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 6 8 एंड 0 हाउ मैनी नंबर कैन बी मेड विथ लाई बिटवीन 500 एंड 1000। बोलता 500 और 1000 के बिटवीन आपके पास कितने डिजिट्स होंगे जो आपने इनमें से यूज करने हैं और रिपीट भी नहीं करने चाहिए, कंडीशन आपके पास ये है। तो देखिए 500 और 1000 के बिटवीन अगर आपने डिजिट्स को देखना है तो आपके पास जो फर्स्ट डिजिट जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, या तो 5 से, या तो 6 से, या 8 से, क्योंकि अगर हम 4 से लेंगे तो 400 समथिंग आ जाएगा, हमें तो 500 और 1000 के बिटवीन देखना है। तो देखिए या तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, इन तीन डिजिट्स में से आपके पास कोई एक डिजिट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके वो वैल्यू आपके पास 500 और 1000 के बिटवीन आ सकती है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो आएगा 3 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तीन डिजिट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि तीन डिजिट्स की पॉसिबिलिटीज है इस स्पेस को फिल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितने नंबर ऑफ वे जो हैं पॉसिबल हैं स्पेस को फिल करने के लिए, सपोज करते हैं कि इस स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास 3 पॉसिबल वेज हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सपोज करो कि 8 अगर यहाँ पे आ जाता है, या 5 ही यहाँ पे आ जाता है, 5 नंबर यहाँ पे आ जाता है, 5 नंबर को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ पे आने के कितने पॉसिबल वेज हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 को आपने एक्सक्लूड कर देना क्योंकि उसको आपने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो बाद में आपके पास जो पॉसिबल वेज हैं वो आपके पास कितने बनते हैं, 6 वेज बनते हैं। अगर 2 डिजिट्स को आपने यहाँ पे फिल कर दिया, सपोज करो यहाँ पे आपने 6 को फिल कर दिया, इसको भी आपने फिल कर दिया, फिर आपके पास यहाँ जो ये आपके पास स्पेस है इसको फिल करने के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5। अब देखिए इनका भी आपस में कॉम्बिनेशन है, मीन्स काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, 90। यानी कि आपके पास 19 पॉसिबल वेज होंगे 500 और 1000 के बिटवीन में लिखने के। तो देखिए ये तो आपके पास आ जाता है एक लॉजिक वे से, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के वे से देखोगे तो कॉम्बिनेशन के वे से कैसे देखोगे आप, देखिए 3 आपके पास ये डिजिट्स हैं,
ठीक है। और इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या आएगा, कोई या 5 और 6, 8 में से आपके पास यहाँ पे कोई एक डिजिट आपने यहाँ पे फिल करना है मल्टीप्लाइड बाय। देखिए यहाँ पे आपके पास 6 हैं, 6 प्लेसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने हैं, 6 हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास डिजिट, एक डिजिट लेना है मल्टीप्लाइड बाय। यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस फिल करने के लिए 5 हैं, 5 नंबर्स हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में आपको कितना सेलेक्ट करना है, एक ही सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आपके पास वेज हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक ही नंबर यहाँ पे चाहिए। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, देखिए 3C1 को हम लिख सकते हैं 3, 6C1 को हम 6 लिखते हैं, 5C1 को हम 5 लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप इनमें से 6C1 को अगर आप करोगे, तो आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा। तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, आपके पास कितना जाता है 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 6। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3C1 को 3 लिख सकते हो, 6C1 को 6 लिख सकते हो, 5C1 को 5 लिख सकते हो। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 90। तो सेम एक लॉजिक के थ्रू भी आप कर सकते हो और फार्मूला के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे लॉजिक फेल हो जाता है, आपको फार्मूला के थ्रू जाना पड़ता है। तो जहाँ पे आपको लॉजिक यूज़ होता है तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये आपके पास कौन से थे, जब डिजिट्स आपके पास जो हैं वो रिपीट नहीं होंगे। अगर डिजिट्स आपके पास रिपीट होते तब आपके पास क्या यहाँ पे आंसर आता। तो अगर हम लॉजिक से समझें यहाँ पे, तो देखिए पहली स्पेस पे तो आपको पता है कि 3 डिजिट्स आपके पास हैं ही हैं पहली स्पेस को फिल करने के लिए, या तो 5 या तो 6 या तो 8, ये आपके पास आना ही आना है पहली स्पेस को फिल करने के लिए। देखिए दूसरी स्पेस और तीसरी स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डिजिट्स की रिपीटेशन अब यहाँ पे पॉसिबल है। इट मीन जो डिजिट आपका यहाँ पे था वो आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो आपके पास टोटल डिजिट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस स्पेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 7 पॉसिबल वेज हैं। तो देखिए 6 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 आया होता तो पॉसिबल वेज यहाँ पे भी कितने होते, रिपीटेशन अलाउड है, 5 यहाँ पे भी आ सकता है, 5 यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं, 7 पॉसिबल वेज आ सकते हैं। अब देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 210 पॉसिबल वेज हैं आपके पास जब रिपीटेशन होगी, और इतने आपके पास नंबर्स आएंगे जो 500 और 1000 के बिटवीन में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आपके पास कितने हैं, 210। तो होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर फार्मूला के बेस पे आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3C1 इंटू 7C1 इंटू 7C1, क्योंकि 3 आपके पास ऐसे नंबर्स हैं उनमें से एक ही नंबर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कितने वेज हैं, टोटल नंबर आपके पास 7 चॉइसेस हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही नंबर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपके पास 7 नंबर्स हैं लेकिन आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो फार्मूला के थ्रू जब इसको आप करोगे, ये भी आपके पास आएगा 3 इंटू 7 इंटू 7, तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 210। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर भी खत्म करते हैं। होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।